गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के बारे में जाना था, जो कि वो क्वेश्चंस कौन से थी कि साइन एक्स बराबर अगर जीरो हो तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा इन फाइव। साइन एक्स का मान कब होगा, मान कब जीरो होगा, जब एक्स इक्वल टू हमारा एन पाई होगा और फिर एन बिलोंग टू जेड, मतलब कि पूर्णांक होगा, एन हमारा क्या होगा एक पूर्णांक होगा। ऐसे cos x हमारा जीरो तब होगा जब x = 2n + 1 * पाई / 2 हो, वेयर n बिलोंग टू x बिलोंग टू क्या होगा n बिलोंग टू z होगा, यहां पे n बिलोंग टू क्या होगा z होगा। ऐसे अगर ये sin x = sin y के लिए हो तो x = 2n पाई + - 1 की पावर n * पाई आता है। ऐसे cos x = cos y हो तो x = 2n पाई + - y आता है। tan x = tan y हो तो x = tan पाई + - y आता है। सब देखा n विधान को क्या है हमारा इंटीजर ही है, मतलब कि z है। n विधान को क्या है इंटीजर है, z है। आज इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज अपनी करेंगे, एक्सरसाइज 3.4, और उसके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आप लोग उसको अगर नहीं कॉपी किए तो आप लोग कॉपी कॉपी कर लीजिए, और आज हम लोग क्वेश्चन 3.4 करते हैं, उसको देखते हैं क्या है, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो जैसे हमारा एक्सरसाइज 3.4 इसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इसकी एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि tan x इक्वल टू रूट थ्री, कह रहा है कि tan x इक्वल टू रूट थ्री। इसका व्यापक मान ज्ञात कीजिए, व्यापक समीकरण ज्ञात कीजिए, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका व्यापक मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। tan x इक्वल टू tan, अब रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, tan में 60 की होती है, और 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री के, इसके इक्वल हो जाएगा पाई बाई थ्री के। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई थ्री, मतलब कि यहाँ पे रूट थ्री है, तो यहाँ जो है tan x इक्वल टू रूट थ्री, तो tan x इक्वल टू यहाँ पे रूट थ्री लेके रखते हैं, tan पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, सिक्स नहीं पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जब हमारा tan x इक्वल टू tan y के होता है तब हमारी जो वैल्यू जाती है, तो x इक्वल टू क्या आता है हमारा n पाई प्लस माइनस y आती है, क्या आती है x की वैल्यू आती है n पाई प्लस माइनस y आती है, व्यापक समीकरण आता है, क्या आता है n x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y आता है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस y में क्या है हमारा पाई बाय थ्री है। इससे हम लोग कंपेयर करके क्या कर दिए वैल्यू रख दिए, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका व्यापक समीकरण हो जाएगा कि x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारी एक्सरसाइज का, इसको फिर समझा देते हैं कि tan x हमारे क्या थे रूट थ्री के, tan x बराबर क्या हो जाएगा tan रूट थ्री किसके होती है पाई बाई थ्री की होती है। तो ये देखो इस फॉर्म में है, क्योंकि चूंकि tan x इक्वल टू tan y हो तो इसलिए क्या होता है dc बिलोंग टू क्या होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y होता है। सो दैट देयरफॉर tan x इक्वल टू tan पाई बाई थ्री था, तो हमारा x की जगह तो x ही है और ये पाई बाई थ्री क्या हो गया, तो y की जगह पाई बाई थ्री हो गया। तो हमने क्या दिया x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, ये इसका हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा sec x इक्वल टू टू, sec x इक्वल टू टू, इसकी हमें क्या करना है व्यापक समीकरण निकालना है। तो sec x इक्वल टू टू है तो sec x में टू किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता होगा कि अगर हम sec x में टू किसकी वैल्यू हो जाएगी, आप देखोगे कि sec x में टू हमारी 60 डिग्री वैल्यू, तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है पाई बाई थ्री के इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि sec x इक्वल टू sec पाई बाई थ्री, sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा sec पाई बाई थ्री के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई बाई थ्री लिखा है, sec पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है टू होती है। अब हमने यहाँ पे देखो आपने क्या है कहीं sec पे कहीं फार्मूला पढ़े नहीं, वो काहे पढ़े हैं sin cos tan, sin cos पे tan पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या करेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों साइड क्या कर देंगे व्युत्क्रम कर देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन sec x इक्वल टू 1 अपॉन sec पाई बाई थ्री, दोनों पक्षों क्या करेंगे व्युत्क्रम कर दिए, यहाँ हो जाएगा हमारा cos x
वन अपॉन सेक एक्स क्या हो जाता है, सेक कॉस एक्स हो जाता है इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री। अब हमें कॉस का समीकरण पता है कि यदि कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई हो तो इसका हमारा व्यापक समीकरण क्या आता है, एक्स इक्वल टू टू एल पाई प्लस माइनस वाई। यहाँ से बनेगा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू इसका व्यापक समीकरण हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई के क्या है हमारा पाई बाई थ्री है। अभी हमने इक्वेशन में देखा था तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यापक समीकरण हो जाएगा, इसलिए एक्स इक्वल टू टू एल पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। ये हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। फिर आप लोग अपनी अगली क्लास क्वेश्चन के अगला डिस्कशन करेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि कॉट एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री, कॉट एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस रूट थ्री। तो यहाँ जब लोग देखेंगे क्या है कॉट में किसकी वैल्यू माइनस रूट थ्री होती है, तो आप बता दो कि कॉट एक्स इक्वल टू माइनस ये किसकी वैल्यू रूट थ्री हमारी होती है, वैल्यू किसकी पाई बाई सिक्स की होती है, किसकी होती है पाई बाई सिक्स की होती है ना, रूट थ्री पाई बाई सिक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगी कॉट पाई बाई सिक्स। अब हमें क्या है यहाँ पर माइनस चाहिए नहीं था किसी भी क्वेश्चन में, यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल टू टाइम जैसे अगर इसको टाइम में चेंज कर दे तो इसमें क्या हो जाएगा वन अपान दोनों साथ क्या करो व्युत्क्रम कर दो, वन अपान कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन अपान कॉट पाई बाई सिक्स। इसको हम लिख सकते हैं क्या टेन एक्स लिख सकते हैं, तो टेन एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन पाई बाई सिक्स। अब भैया एक बात बताओ आप लोगों ने कहीं पर फार्मूले से माइनस पढ़ा नहीं था तो हमें प्लस चाहिए, तो आप इसको जानते हो क्या कर दो इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। अब हमारा क्या है बालेस पीसी, तो इसको एक काम करो इसको क्या है निगेटिव, क्या है निगेटिव है तो इसको कुछ पॉजिटिव में ले आते हैं। तो ये हमारा हो सकता है टेन एक्स इक्वल टू टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स। अब आप देखो पाई माइनस पाई बाई सिक्स मतलब क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है टेन निगेटिव होता है, इसलिए क्या लिख दिया टेन क्या है इसकी वैल्यू को निकालो टेन माइनस पाई बाई सिक्स आएगी, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम व्यापक समीकरण निकालना है, तो व्यापक समीकरण के लिए क्या करें पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और ये हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू टेन इसको आप सॉल्व करोगे सिक्स वन जो सिक्स सिक्स पाई माइनस पाई क्यों क्या है फाइव पाई बाई सिक्स, इसका क्या हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू टेन पाई फाइव पाई बाई सिक्स। अब इसका क्या करना है व्यापक समीकरण निकालना, तो व्यापक समीकरण हमारा क्या होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा या प्लस माइनस वाई होता था, तो इसमें क्या करो वही व्यापक समीकरण लगा दो, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस फाइव पाई बाई सिक्स, यही तो क्या हो जाएगा व्यापक समीकरण हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर ये हमारा थर्ड था आज की क्लास का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा कह रहा है कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू माइनस टू, कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस टू, हाँ तो ये कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा ठीक है। यहाँ जब लोग देखेंगे किसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक में, कॉसेक इज इक्वल टू ये किसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टू है ठीक है, तो कॉसेक मतलब पाई बाई सिक्स की हो जाएगी, थर्टी की होगी थर्टी मतलब क्या हो जाएगा पाई बाई सिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक माइनस कॉसेक पाई बाई सिक्स। अब हमें क्या इसको दरअसल क्या करते हैं व्युत्क्रम कर देते हैं, क्योंकि हमें कॉसेक में चाहिए नहीं साइन या कॉस या टेन में चाहिए, इसको व्युत्क्रम कर दो तो वन अपान कॉसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन अपान कॉसेक पाई बाई सिक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई सिक्स। अब फिर से क्या है कि हमें माइनस में चाहिए इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू हमें पता है कि साइन को साइन में रखना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन और टू पाई वैल्यू क्या होती है चेंज नहीं होती है टू पाई
माइनस पाई बाई सिक्स, क्या आ जाएगा टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स, या इसको लोग ये भी बोल सकते हैं कि सिक्स टू जब हाँ टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप देखोगे क्या टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स का मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गया और टू पाई में वैल्यू चेंज होती नहीं, तो क्या आ जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा इससे। तो आप देखोगे टू पाई यहाँ पे तो चेंज नहीं होगी टू पाई में, यहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, अब फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा साइन का पाई बाई सिक्स आ जाएगा, समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन सिक्स टू ट्वेल्व माइनस अलेवन पाई बाई सिक्स, क्या हो जाएगा अलेवन पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो ये हम लोग इसको जरा सा और देख लेते हैं, अगर अगर अलेवन पाई बाई सिक्स हो गया तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा अलेवन पाई बाई सिक्स, तो इसको हम लोग क्या थीटा के बराबर समीकरण लगा देते हैं। थीटा के बराबर समीकरण क्या होता है कि एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू पाई का एन टू क्या होता है वाई होता है, इसको लगा लेते हैं, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाए टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू क्या जाएगा अलेवन पाई बाई सिक्स हो जाएगा, यही सब क्या हो जाएगा व्यापक मान हो जाएगा, समझ में आया बच्चों, यही सब क्या हो जाएगा व्यापक समीकरण हो जाएगा। ये हमारी आज क्लास का क्वेश्चन नंबर फोर था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव हमसे बोल रहा है cos x cos 4x cos 4x is equal to cos 2x, यहां लिख सकते हैं इसको cos 4x minus cos 2x equal to 0। ये क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे इसमें cos b minus cos d का फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व करिएगा आगे और इसका व्यापक समीकरण आप निकालिएगा, अगर ना आए इसका सलूशन तो आप बताइएगा। हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज और कर सकते थे कि जैसे हमारा आया था कि साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई सिक्स, तो हम इसको ये भी लिख सकते थे कि साइन पीछे वाले क्वेश्चन चौथे वाले में साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, अभी भी साइन क्या होगा निगेटिव होगा, तो उसके लिए पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तब यहाँ थीटा जो समीकरण आ जाता है व्यापक समीकरण आ जाता है टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू पाई बाई सिक्स आ जाता है, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है उसकी अपेक्षा, क्योंकि क्या है यहाँ पे आ जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स आ जाएगा, क्योंकि क्या है सिक्स वन सेवन हो जाएगा, समझ रहे हैं बच्चों, ये उसकी जगह ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, सही तो हमारे दोनों है बट ये ज्यादा क्या है एप्रोप्रिएट है, कंफ्यूज ना होइएगा कि सर क्वेश्चन में आंसर तो ये आ रहा था। इस क्वेश्चन को आप साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा के आगे सॉल्व करिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बाकी हम लोग कल जो बचे हुए क्वेश्चन को कल डिस्कशन करेंगे। ओके, आप लोग आराम से घर में रहिए और बाहर कम निकलिए, थैंक यू क्लास।